रायपुर से खबर, बागेश्वर सरकार ने चुनौती स्वीकार कर ली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा है उन्हें हर तरह की चुनौती स्वीकार। धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में चुनौती दी गई थी, ये अपने चमत्कार स्वीकार करने की चुनौती दी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनौती स्वीकार की है। बता दें उन्होंने कहा कि श्याम रायपुर आए, टिकट का खर्च मैं दूंगा, मैं कोई संत नहीं हूं, जैसे को तैसा जवाब देता हूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले में चुनौती को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन वो ये भी कहते हैं जैसे को तैसा जवाब देता हूं। अपने चमत्कार को स्वीकार करने की उन्होंने ठानी है और उन्हें एक तरह से चुनौती दी गई थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा और जब सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा ही गजब का जवाब दिया और उन्होंने चुनौती को स्वीकार करना ठीक समझा। उन्होंने बड़े खुले अंदाज में, खुले मन से कहा कि उन्हें हर तरह की चुनौती स्वीकार है। हालांकि देखिए, इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई है और इसको लेकर जो सियासत गरमाई थी, बयानबाजी भी इस पर काफी तेज हुई और नागपुर में जो चुनौती दी गई थी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए, उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया और उसके बाद उन्होंने बड़े खुले मन से जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि हर तरह की चुनौती स्वीकार है। चलिए रुक करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। आदित्य जी, जाहिर है चुनौती दी गई थी और वो दोनों ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं संत नहीं हूं लेकिन जैसे को तैसा जवाब देता हूं, क्या माना जाए? अब चुनौती तो स्वीकार कर ली है। बिल्कुल, देखिए चुनौती स्वीकार की भी है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस विषय पर कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि धर्म विशेष को आगे बढ़ाने के लिए या कहीं ना कहीं ऐसे साधु महात्माओं की सेवा इसलिए ली जाती ताकि चुनाव में जीत हासिल की जाए। लेकिन देखिए, इसके पहले जब प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम था तो ये जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर उसके पीछे। अभी जब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम गुड़ियारी में चल रहा है उसमें कांग्रेस के बड़े नेता पीछे में, तो ये दोनों ही पार्टियां कर रही। लेकिन जो नागपुर वाला प्रकरण हुआ था जिसमें चैलेंज वाली बात आई थी, उनका ये कहना था कि उनके कार्यक्रम पहले से तय थे और जहां पर वो पहले से विराजित थे वहां पर वो कुछ कथा का कार्यक्रम था, इसलिए उनको दो दिन पहले कथा जो है वो खत्म करनी पड़ी। इसके पीछे ये बिल्कुल नहीं है कि वो चैलेंज स्वीकार नहीं करते या डरते हैं किसी से, ओपन चैलेंज की वो बात कर रहे हैं कि आप मेरे सामने आ जाइए, सीधे तौर पर मुझसे आप बात करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये जो निवारण वाली चीज है वो बहुत साफ है कि ये बात उनका कहना है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आई है और मैं विश्वास दिलाता हूं और मैं आपकी समस्या समाधान नहीं करता। ये बागेश्वर धाम में जो हनुमान जी बैठे हुए हैं ये सबका शरण करते हैं और कहीं ना कहीं सबकी मदद वही करते हैं। मैं कोई चैलेंज नहीं करता लेकिन हाँ, मेरे से जो हो सकता है मैं मदद करता हूं। तो फिलहाल चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब नागपुर से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती, यहाँ के जो लीडरों ने चैलेंज किया था उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो है चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल ठीक है आपने, चलिए अब देखना होगा क्या प्रतिक्रिया आती है नागपुर से। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको बयान भी सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया बागेश्वर सरकार से तो उन्होंने खुले मन से स्पष्ट कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने चुनौती को भी स्वीकार किया है। खुला दरवाजा लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह एक साजिश है, बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहे। न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए, सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बार इस सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लगते हैं। सुना आपने, ये वो अंश आपको हमने सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब सवाल पूछा पत्रकारों की तरफ से सवाल आया, उन्होंने खुले मन से स्पष्ट कहा कि मैं कोई संत नहीं हूं। और देखिए कर्ण पिशाचिनी क्या है, अब ये आपको समझा देते हैं। इसके जरिए भूत भविष्य बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी कान में बैठ जाती है, पिशाचिनी ही संबंधित व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी देती है। साथ ही पिशाचिनी को सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। छोटी सी भूल, छोटी सी मिस्टेक पर पिशाचिनी सिद्ध करने वाले को दंड देती है। ये आपको हमने समझाया कर्ण पिशाचिनी क्या होता है। हालांकि नागपुर वाला मसला अलग है, उन्हें चुनौती दी गई थी,
और इस पर उन्होंने स्पष्ट अपना बयान दिया है, जवाब दे दिया है। चलिए हम रुक करेंगे इस वक्त न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी, दोनों ही बयान स्पष्ट समझ आ रहे हैं, खुले मन से वो ये भी कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि मैं कोई संत नहीं हूं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जैसे को तैसा जवाब देता हूं। देखिए दीपक, पहले तो जो बात आपने कही उसको मैं और स्पष्ट कर दूं दर्शकों के लिए कि ये दावे की बात हमें जरूर करनी चाहिए कि तंत्र मार्ग जो मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी, बिल्कुल सही बात है। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर हैं उनकी अपनी दलीलें हैं, जो कहते हैं नहीं है उनकी अपनी दलीलें हैं, और ये अनादिकाल की बहस है। कुछ लोग मानते हैं तंत्र मंत्र है, कुछ लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और हम भी ऐसी किसी भी मान्यता का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं कि ये ऐसा होता है, ये कोई सिद्धि है पिशाकर्ण पिशाचनी, लेकिन वाम मार्ग की एक सिद्धि जिसके बारे में अघोर तांत्रिकों से सुना जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है, वो दावा यही है कि कर्ण पिशाचनी वाम मार्ग की एक सिद्धि है। और इस सिद्धि को जो भी कथित रूप से जो भी साधक सिद्ध करता है वो अतीत के बारे में एकदम परफेक्ट जानकारी दे सकता है, ऐसा दावा सामने आता है। और आप अगर पर इतिहास में देखेंगे तो भारत में ऐसे अनेक जिनमें राजनेताओं से भी गहन संपर्क रखने वाले तांत्रिक हुए हैं, जिन्हें कथित रूप से संत भी कहा गया, ऐसे आपको तांत्रिक और संत मिलेंगे। ये दावा पंडोकर दरबार के लिए भी सामने आता है, और ये दावा इनके बागेश्वर धाम के लिए भी सामने आता है कि इनके पास भी ऐसी ही कोई सिद्धि है। बंसल न्यूज ऐसा कोई भी उसके पास न जानकारी है और ना वो इसको कोई प्रमाणित तौर पर कह रहा है दीपक, ये बात कि ऐसी सिद्धि है, इससे ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये हम कोई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जैसा हमने तांत्रिकों से सुना है, वाम मार्गी साधक जिस तरह की बात करते हैं, वो बात ये है कि अब सवाल ये है कि बागेश्वर धाम क्या इसके लिए तैयार है। निश्चित तौर पर उन्हें तैयार होना चाहिए, और क्योंकि एक बड़ा दावा जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं निर्मल जी, उन्होंने जो बात कही है इस पर उनको तैयार होकर इस पर उनको उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये दावे बराबर सामने आते हैं। देश के जो विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह, उन्होंने भी जब वो एक डिप्लोमेट के तौर पर ब्रिटेन में तैनात थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी तत्कालीन मार्गरेट थैचर, उनको चंद्रास्वामी, जो तांत्रिक चंद्रास्वामी थे, उन्होंने किस तरह से इसी तरह की एक सिद्धि के जरिए चमत्कृत कर दिया था। ये अंग्रेजी में लिखी गई उनकी आत्मकथा में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो तमाम दावे हैं, लेकिन हम दावे शब्द का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बंसल न्यूज इस तरह की किसी प्रमाणन की और किसी तरह की बात नहीं करता है। अब देखते हैं ये मामला कहां तक और कैसे पहुंचता है दीपक, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी विषय हम रखें तो वो विषय रखते हुए हम दावा और उसमें ये बात जरूर रखें लोगों के सामने कि ये कोई सिद्धि है कि नहीं है, इसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बिल्कुल हमारे दर्शक भी ये समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस बातचीत के लिए। हालांकि देखिए, हम इस खबर को इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि पहले चुनौती दी गई थी, उसके बाद कर्ण पिशाचिनी को लेकर जो लोगों में भ्रम है, एक पक्ष लोगों का ऐसा भी है जो कर्ण पिशाचिनी को लेकर ये मत रखता है कि बिल्कुल ये सिद्धि होती है और इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सवाल खड़े होते हैं जिसके बाद संदेह जाहिर है होता भी है। लेकिन बागेश्वर सरकार ने, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने, बड़े ही खुले मन से कहा है कि वो संत नहीं है, लेकिन वो जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। अब यह भी देखना होगा नागपुर से अब आगे इस पर क्या प्रक्रिया आती है, क्या जवाब दिया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। बागेश्वर सरकार ने चुनौती स्वीकार की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया इस संदर्भ में, उन्होंने खुले मन से जवाब भी दिया। एक बार फिर आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा बागेश्वर सरकार ने। आपको आना चाहिए, आप पधारे, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हमारा भरोसा, उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिश है, बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम
समझो, अपना काम करते रहे। न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए, सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग रहे। सुना आपने, देखिए वो स्पष्ट कहते हैं कि एक बार इस सरकार को गिराने के लिए कितने लोग पीछे पड़ गए। सनातनी बनिए, प्रचार करिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, खुले मन से कहते हैं कि उन्हें हर तरह की चुनौती स्वीकार है। यानी वो साजिशों की तरफ, कुछ षड्यंत्र की तरफ इशारा करते हैं, नाम नहीं लेते हैं किसी का, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ साजिश, कुछ षड्यंत्र जरूर है जो गिराने का काम कर रही है। तीसरी बार हमने सांसद की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह झूठी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भोग सकता। अब यहाँ पर मैंने 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख का यहाँ भी बता दिया, 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाए, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसलिए भंडार चौक छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए। सुना आपने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपको अंश सुना रहे हैं, रायपुर में जब पत्रकारों के सवालों का जवाब बागेश्वर सरकार दे रहे थे, और वो षड्यंत्र की तरफ भी इशारा करते हैं कि उनके पीछे कई ऐसे षड्यंत्र, कुछ साजिशें भी की जा रही है उन्हें गिराने की, और खुले मन से वो अपनी बात आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए।